अस्सलाम वालेकुम, की हाल ने। उम्मीद है सारे खैर खैरियत नाल होंगे। लो जी ताजू, अज पता तो लग ही गया होना कि सुबह सुबह सूरज वेखो कैं चमक रहा है। देखो सूरज कितने आके ओ सीधा ना फर्श से पै रहा है, तो नाल उधरों टेढ़ा जिहा होकर अख च पै रहा। तुहानू पता तो लग ही गया होना कि अज तुहाडा भरा सुबह सुबह नहा धो के किवें सुबह के 7 बजे जिहड़ा ना चमक रहा है। लो जी सारे भैन भरावां नू मेरे वल्लों बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। ठीक है, अज है जी अपना ईद का दिन, तो बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। लो जी ताडे भरा ने यह कपड़े पाए हैं, हुण मैं कल्ला जाना, मैं तुहानू कहिंदा खावां ये इत्थों तुसीं वेखना शुरू करो। हल्का 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 यह पैरां 'च चप्पल ही पाई है, हजे मैं जुत्ती जाती पानी है। ठीक है, मैं कहां जाण लगे पावांगे। सारी मिनी फैमिली नू बहुत बहुत ईद मुबारक साडे वल्लों। ठीक है, तो जी हुण आपां ईद नमाज़ पढ़न जाना, तो बाकी जिहड़ा ना घर दे हालात मैं तुहानू खावां, तो वेखो किवें खलारे पे होए ने। तो तुहाडे भरा दीआं अक्खां तों तुहानू फील हो रहा हैगा, इत्थों तो नहीं हजे थोड़ा रोशनी घट है शायद, मैं तुहानू इत्थे आके थोड़ा दिखाना। अक्खां तों तुहानू फील हो रहा हैगा क्योंकि मैं जिहड़ा ना कोई 24 घंटे तो ज़्यादा ही टाइम हो गया तो मैं सुत्ता नहीं। इत्थे चैक करो, मैं अज तक ना सुत्ता नहीं है बिल्कुल भी, रात टाइम ही नहीं मिलिया टोटली। पहले जिहड़ा है सी पुराना व्लॉग सी वो मैं चंद रात वाला वह वगैरह एडिट करता रहा। ठीक है, एडिटिंग उडिटिंग खत्म करके हजे फिनिश हुई सी, उस तो बाद जिहड़ा ना बस कोई मिठा मुठा वंडिया, तो उस बाद ना तो हो गया कपड़े कपड़े चेंज किए ने, तो हूँ हो गया अपना टाइम जाना ईद नमाज़ पढ़न जाना। हूँ जाना ईद नमाज़ पढ़ने वास्ते, ईद नमाज़ पढ़ने वास्ते दूर नहीं जाना, अपने नाल ही 2 कदम मस्जिद मस्जिद जाना, ईद नमाज़ पढ़ लेनी है। तो मैं क्या जी पहले आप जो जरूरी काम है अपना, सब तो पहला आप भैन भरावों वास्ते अपने जरा ना व्लॉग की रिकॉर्डिंग शुरू कर लिए, ताकि कितने मिस ना हो जाए। कल मेरा हो चला सी मिस, तो इस वजह तो कल जरा ना मैं क्या यह गलती आप दोबारा नहीं करनी, तो जल्दी जल्दी व्लॉग की रिकॉर्डिंग करिए शुरू। ठीक है, तो बाकी फिर नाल करते हैं। हूँ जुत्ती मैं कहना पाँव रहन दी है, चाबी फड़ी है, तो असी बंदे हाँ इतने जाके नमाज़ पढ़नी वापस आए ना। ठीक है, जुत्ती पा के जाके भी तो चुकानी है ना। तो जड़ा है ना ईद नमाज़ पढ़ते हैं, ईद नमाज़ पढ़ के तो वापस आ के तो फिर आप मिलते हैं। ओके करो, ऐ तुसी चैक करो जी आपके भरा बैक कैमरा तुम चैक करावा। ऐ जी ताडे भरा ने एक गंदा जिहा सूट पाया। ठीक है, सोहना लग रहा है, एवं नहीं है। कलर मैं पहली दफ़ा लिया, वैसे यह कलर मैं अज तो पहले कभी यूज़ नहीं किया, यह कलर मैं लिया पहली दफ़ा। ठीक है, तो हूँ यह कलर कि लगे तुम मैंने जरूर दसना है। बाकी बाकी बस यही है। 2000 years later माशाला माँ जी भी तैयार त्यूर हो गए हैं। ठीक है, हूँ अभी चले ईद नमाज़ पढ़ने वास्ते, हूँ ईद नमाज़ पढ़ते उस बाद आके मिलते हैं। आज देर वाह हो गई, पहले ही 1 मिनट रह गया सर। अलहमदुल्ला जी ईद नमाज़ पढ़ ली है। ठीक है, ईद नमाज़ पढ़ के आ गए हैं वापस, चाबियाँ कर लिए। हूँ तुम दसो जी ईद नमाज़ पढ़ ली है, किन्ने किन्ने नहीं पढ़ी? सब तो पहले तो मैंने यह दसना है, हाजिरी लवानी है तुम्हें 1 मिनट भेज के, किन्ने किन्ने ईद नमाज़ नहीं पढ़ी? क्योंकि बड़े बंदे एवं ने, मैं कई तो दोस्तों एवं दिन जानता जो ईद नमाज़ नहीं पढ़ते। ठीक है, तो सब तो पहले उन्होंने बंद ने लाजमी हाजिरी लवानी है जिन्होंने ईद नमाज़ नहीं पढ़ी। ठीक है, तो बाकी असी हाँ जी तू क्या सह चढ़िया पे, असी तो ईद नमाज़ पढ़ लीए। ठीक है, तो हूँ कुछ खाइए पीए, क्योंकि पहले तो सिर्फ 2 चम्मच जो ना एक सेवियाँ फेवियाँ जी बस की किया खाधे से, बस एक ना सुन्नत पूरी की थी। तो पर हूँ जरा ना कोई रगड़ा रुगड़ा लाने प्रोपर जहाँ रख के, क्योंकि पहले तो टाइम भी कौन नहीं, बस निकलन की थी। हूँ एक चाह का कप ही है, तो उस तो बाद फिर बाकी काम नबेड़ दे। लो जी हूँ साड़ियाँ तैयारियां ने पिंड जा दी, हूँ असी क्या जी पिंड जाइए, तो वड्डी मम्मी जाके मिल आईए। तो लो जी छोटी मम्मी जी ने तैयारी शारी वट के आए, प्योर वेखो दुपट्टे दुपुट्टे लैके, तो अगली ने सूट भी बदल लिया, मास्क मूस्क लाई जा रही है। अज गर्मी वाह वाह ज़्यादा हो गई, पता नहीं ईद की खुशी गर्मी होगी अज इन्ने पूरा रमजान असं पखा नहीं लाया, अब पहले दिन साडा पखा चल रहा, तो अज पखा सुबह का चल रहा मुसलसल, तो गर्मी शिद्दत दी होगी, मतलब पसीना आई जा रहा बार बार। हूँ निकलीए कि हूँ सह लेना फिर? हाँ जी चलो, पखा बंद हो गया, लाइटा बंद हो गया, मेरे हाथ के थले बटन ने सारा, आ वेखो बाहर कितना खूबसूरत साउंड आ रहा। तो चलो जी हूँ असं चलते हैं पिंड नूं, तो पिंड चलीए, तो फिर जरा ना जाके आप मिलते हैं पिंड, वड्डी अम्मी के नाल तुहानूं मिलाने आ, तो बाकी पिंड वाले नाल मिलाने आ। ठीक है, तो बाकी फिर कितने कितने जाने, ईद किदां मनाई जाती है साडी, ए वाली छोटी ईद पहली जिहड़ी मिनी फैमिली ताडे नाल ईद शेयर करेगी सारी दी सारी, तो वीडियो नूं तुसीं एंड तक देखना है, तो जुड़े रहना साडे नाल, तो असीं हुण चलते हैं फिर, बस चल के मिलते हैं। लो जी आप पिंड पहुँच चुके हुए हैं, हूँ इतने वड्डी अम्मी मिलने वास्ते। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जी? ठीक हो? ईद ना लंघी बस गुजरी। लो जी अज साडा धूला जिहड़ा बदलिया बदलिया लग रहा है, रंग दे नाल दा रहे मैचिंग करके सूट पाया, तुसीं कहणे बाद च आ रहे हैं, तो माँ जी पहले आके बैठे, मैं मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल भी खड़ी करनी सी ना। तो अस्सलाम वालेकुम, की हाल है माँ? ठीक जी, फ्रैश है? फ्रैश है बस, सही है। कल मैं सुनया डोन हो गया काम, कल ते पता नहीं वो समोसा जा मैं खा लिया ओदे चढ़ गया मैं।
ਸਮੋਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਭਰ ਕੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਡਰਦੀ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਡਰਦੀ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਚੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਚੋਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਆ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਛੋਟੀ ਉਮੀਦ ਆ ਲੋ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਆ ਗੁੱਟ ਤੇ ਨੀਲ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਈ ਗੁੱਲੀ ਲੈ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸੇ एक पास माशाल्लाह मंजा मल्या एक पास कुर्सी वेली माशाल्लाह कहना सारे ने माशाल्लाह कहना नाल लाजमी हाँ लो जी हुण असीं पिंड पहुंच गए वड्डी मां दे कोल ईद मिलन वास्ते आ गए असीं ठीक है ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੁਬਾਹ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਪੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਝੱਟ ਬਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਦੀਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਚੰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਨ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਵਰਗਾ ਹੈ ਚੰਨ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਚੰਨ ਚੰਨ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਸਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਨ ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ 29 ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਕੋਈ ਨੀ ਐਤਕੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵਾ ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ 29 ਵਾ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ 32:19 ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹਾ ਨਹੂ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਅਸਰ ਦੀ ਤੇ ਉਧਰ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਲੋ ਜੀ ਵੱਡੀ ਮੀਦੀ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤਬੀਅਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਬਾਕੀ ਉਤਲੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਵਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲੇ ਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਈਦ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਚੋਰੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਮਾਰਕ ਜੀ ਖੈਰ ਮਾਰਕ ਬੜਾ ਨੀਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰੀਜ਼ਾ ਤਰੂਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਲਫ ਕਲਫ ਲਾਈ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਸੀ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਓਕੇ ਕਰੋ 6 ਆਵਰਸ ਲੇਟਰ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਲਿਆ ਰਾਤ ਰੂਤ ਹੋ ਗਈ ਈਦ ਮਨਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਮਨਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਵਾਪਸੀ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਮੁਲ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਤਲ ਲਮਕ ਰਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗਈ ਬੋਤਲ ਲਮਕ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਈਦ ਉਦ ਆਪਦੀ ਮਨਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਧੋਈਏ ਅਤੇ ਹੋਈਏ ਫਰੈਸ਼ ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਦੇ ਮਾਸਕ ਮੂਸਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ
ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਘੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੁਕਾਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਆਨੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ अच्छा वो आपके टिकटॉक के वीडियो देख के मैं पिंड जाने लगे कैमें की लगती थी कि बुढ़िया जी आपके तरीफा मूँह आप करते हैं मतलब कि आपने वेख के आपका वेख के ना आप खुश होते अच्छा मैं कैमें की लग रही थी मैं चुनी ले अज तो माँ मेरी गोलगप्पा ही बनी भी तीन एक सौ चुनी भी लेटी है तो कम कट्टो कट्टी हो क्योंकि पिंड जाने वास्तव तुम पता सारे पिंड के रात मिट्टी बहुत ज़्यादा तो एक मिट्टी बहुत ज़्यादा मैं कितनी स्पीड ना बोल रहा मैं तो एक समझ नहीं आ रही तो जी साड़ी ईद कि गुजरी साड़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी है ईद इस तरह गुजरी है कि जी सुबह नमाज वगैरह पढ़ के उतो फारग होकर आप पहुंचे पिंड वे मैं ईद मिली है उतना थोड़ा टाइम स्पेंड किया उत्थे मैं दोस्त में भी मिल लिया तो उस तो बाद मैं जाना सिस्टर के कोल ईद मिलने वास्ते लेकिन यह कि मैं कल का सुता नहीं सी मेरी नींद इन्नी ज़्यादा तबीयत खराब होने लग गई मैं बैठे इंज इंज झूठे आई जाते दोस्त बैठा मैं उनके को बैठा बैठा ना थोड़ी देर बाद कभी इंज डिगे थोड़ी देर बाद गल्ला करी आ रहा मैं इंज डिगा और मैंने कहना भाई मैं चल जाना तू सारे काम छड़ तू पहले सो जा मैं क्या नहीं तू मेरे को बह मैं गल्ला कर और फिर लग गया बेचारा गल्ला करी जा रहा मैं फिर सुता पाया तो वो बाबा जी कुछ टाइम स्पेंड किया लेकिन उस बार मैंने सोना पाया क्योंकि मेरे से इन्नी हिम्मत नहीं सी मैं कितने जा सका फिर कुछ देर सुते हैं नींद नूंद पूरी की मतलब उतने मैं नींद ही पूरी की और मैं किया कुछ नहीं क्योंकि थोड़ी देर घर बैठा उस बार मैं सौ गया तो हूँ सुता पे उठा तो उठ के तो फिर झट को बैठे उन्होंने कोल घर वाले तो दुआ सलाम लिया तो कुछ खाधा पीता तो खाधा पीता तो आप मोटरसाइकिल मारी के तो मैं क्या चलिए वापस टाइमो टाइम ही नेरा हो रहा अस अठ बज गए ने ठीक है तो मैं क्या उस तो पहले कि टाइम बहुत ज़्यादा खराब होवे क्योंकि पिंडा के राह जे ना रात को फिर चोरी चकारी तो सोई वो मसले होंगे ने इस तो पहले मैं आप निकली असं हूँ पहुँच गया घर तो हूँ झट करते हैं रैसटा रैसटा रुस्टा करने तो बाद फिर आप खाने कोई शह तो उस तो बाद कोई अज का कम धंधा की है वो तो ना करते हैं तो करने तो बाद खाने मेरी ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी है तो माँ जी ताकि ईद किमें गुजरी है चंकी गुजर गई ईद बाबा जी साड़ी तो बहुत अच्छी गुजरी रमज़ान भी जिस तरह माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरिया से इस दफा जरा ना अलहमदुल्ला मैं सारे रोजे रखे ने अगे एक अद्धा छोट ही जाता कुछ ना कुछ करके भी ना कुछ भी कर लो मतलब मैं काफ़ी टाइम हो गया उदो मैं जरा ना कोई सारे रखे से नहीं तो मेरे को लाजमन एक अद्धा रोज़ा छुट जाता मतलब बीमार हो जाता ऐतकी भी एक छुट चला सी एक दिन मेरी तबीयत इंतहा ही खराब सी लेकिन मैं कहा नहीं रोज़ा नहीं छड़ना ऐतकी मरदा मर जाए बंदा रोज़ा नहीं छड़ना तो रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरिया अल्लाह पाक का शुक्र है तो जरा ना ईद भी उस हिसाब ना बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी है तो बाकी जरा ना हूँ आप एक नहीं छड़िया पक्की गल कल का नहीं कल का चढ़िया हाँ चंद माशाल्लाह वाकई जरा मैं हूँ चंद चेक किया बेसिकली मैं आ रहा जो मैं बाईपास उपर की ना मोटरसाइकिल तो बिल्कुल मेरे सामने से चंद चंगा वड्डा तो सोहना है लश्का मारा जिस तरह मैं लश्का मारा ना कि पीला सूट पा के एवं ऐसे कलर का चंद ठीक है तो मैं कहना काले समान चीका मार रहा चंद उभर के आ रहा हाँ जी तो अज की ईद मेरी किदा गुजरी अज की ईद मेरी अलहमदुल्ला बहुत अच्छी गुजरी सारा तो पहले बस इतने तो माँ जी ने ईदी दी है उस बाद मेरे को लेकिन मसला एक यह है कि मैं अजे ताज़ी ताज़ी ब्लॉगिंग स्टार्ट की मैंने कोई बहुत सारी चीज़ें जी माइंड चो निकल जाने ने तो ईदी देने लगे मेरे जेन च आया ही नहीं कि जरा ना मैं शूट भी करना है हूँ पता नहीं तुझे समझना कि ईदी दी या नहीं दी तो माँ जी ने ईदी दी उस बाद पिंड चले गए ठीक है पिंड जरा ना वे मैंने ईदी दी बाकी बच्चे वगैरह जो भी है फैमिली के अंदर छोटे छोटे उन्होंने आप ईदी वगैरह दी ईदी वगैरह दे के उतों हुए आप फ्री ठीक है तो अपना जरा ना रिकॉर्डिंग जरा मेरे माइंड चो निकल गया कि मैं जरा ना शूट भी करना है तो शूट तो मेरे माइंड चो निकल गया तो वह जी मेरे को हो गई बहुत वड्डी गलती तो हूँ जरा ना कोई टाइम हो गया काफ़ी थोड़ा लेट ठीक है तो मैं जरा ना हूँ इतने आप कर रहे हैं व्लॉग नू एंड तो एक दफ़ा फिर सारी मिनी फैमिली नू मेरे वालों बहुत बहुत ईद मुबारक तो हूँ मैं क्या जरा थोड़ा जहा टाइम ना दोस्तों स्पेंड करिए तो दोस्तों के नाल इस वजह तो फिर मैं अच्छ कैमरा आप चटपटे काम जाओ अच्छा माँ जी कह रहे हैं कि सेवियां सुवियां का टाइम हो गया सेवियां आप खाधी भी नहीं सच आप तो खाधी नहीं सेवियां सुबह भी चेक तो कराओ यार ये की गल हुई वेखो हम ईद वाले दिन भी खा ला मतलब यार ए तो गल गलत है ना ए चोरी साहब ए तो गल तो चोरी साहब तुम भी मांडा फिर गल छ मिठाइयां केक कटे लेकिन किसी शह का जेन च रहा ही नहीं कि व्लॉग बनाना ठीक है उत्थे जाके मोबाइल हाथ पड़न का जेन च नहीं रहा ठीक है तो अच्छा तो तुम भी तो चाह पूरा पूरा सी है तुम भी तो प्यारियां प्यारियां जुम्मियां लाइया ने
ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਜਦ ਆਪਾਂ 10K ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, 10K ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ 10K ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣਾ ਮਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਆਪਾਂ ਮਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ, ਵਲੌਗ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਲਮੋਸਟ 10GB ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਦੋਨੋਂ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਮ ਨੂੰ? ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈੱਸ।